मीरगंज शहर के प्राचीन औगरदान शिव मंदिर के परिसर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा सह प्रवचन कार्यक्रम के पांचवे दिन शुक्रवार को अयोध्या से पधारे महर्षि श्री श्री दास जी महाराज ने श्रद्धालु भक्तों को भक्ति रस से विभोर किया। श्रीमद् भागवत कथा करते हुए उन्होंने कहा कि भागवत के श्रवण से हमें जीवन जीने की कला मिलती है। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें केवल पुण्य कार्य करने के साथ मोक्ष की प्राप्ति भी देता है। भागवत के महात्म में कथा आई है कि भक्ति देवी के बेटों को जगाने की कोशिश में असमर्थ हो गए तो नारद जी चिंता में पड़ गए, परंतु नारद जी ने सोचा कि चिंता करने से तो कुछ नहीं बनने वाला। नारद जी ने चिंता छोड़कर भगवान का चिंतन किया तो रास्ता मिल गया, कार्य भी आसानी से बन गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसे कोई चिंता व परेशानी ना हो, और चिंताओं से उलझने बढ़ती हैं, घटती नहीं। इसलिए भागवत ग्रंथ हमें बताता है कि चिंता को भगवान के चिंतन में बदल दो तो सभी कार्य आसानी से बन जाते हैं। मौके पर व्यवस्था में विनोद व्यास, संजीव सोनी, अनूप केसरी, राकेश सोनी, विशाल प्रजापति, रितेश जायसवाल, शंकर गोड़ आदि थे। रिपोर्ट प्रवीण गुप्ता, VSRS न्यूज।